लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट दिस ट्वीट वो कह रहे हैं आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन पाकिस्तान वुमेन टीम ने आज स्क्वाड अनाउंस किया है फॉर द अपकमिंग फोर नेशन कप इन साफ नो हाजरा खान इन द स्क्वाड विच सीम्स लाइक एन अबसर्ड डिसीजन इन माई ओपिनियन कैन सम प्लीज एक्सप्लेन मी हु इज मेकिंग दिस डिसीजन बिकॉज इट मेक्स नो सेंस मैंने कहा तैमूर भाई आपके सवाल का मैं मौका लूंगा टू जस्ट टॉक अबाउट इट अगेन पहले तो बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है उन्हें एक और टूर्नामेंट मिल रहा है टू प्ले लेकिन हाजरा पे हम कोई भी कॉमेंट करें तो इट ऑब्वियसली भी परसिवड एज बीन बायस बिकॉज शी इज अ कलीग ओवर है लेकिन मैं वे इतनी बात जरूर करूँगा कि कुछ डिसीजन हाल में पी एफ एफ ले रहा है विच डोंट मेक सेंस अब ये मेरा ओपिनियन ये मेरा ओपिनियन है जिसमें फॉर एग्जाम्पल टू स्टार्ट ऑफ विद इन मॉल इन इन नेपॉल हाजरा वॉज अ स्ट्राइकर बट वॉज प्लेड एज बैक बट आप उन्हें छोड़ दें हाजरा इज एन दी ओनली उमेशन फ्रॉम दिस इलेवन आई थिंक खतीजा काजमी थी जिन्होंने हम सब ने मैच जो देखा था मॉल के खिलाफ उसमें असिस्ट भी बनाई थी वो भी नहीं है आपकी उस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था आपने अच्छी खासे जो खिलाड़ी हैं वहाँ से उन्हें फॉर नो no राइम और रीजन ड्रॉप कर दिया अपेरेंटली दिज अ सीनियर टोर एंड यूर टेकिंग एट लीस्ट सेवन टू एट अंडर सिक्सटीन प्लेयर्स अगेन वी हैव नो आइडिया वॉट्स गोइंग ऑल ओवर और उसमें भी ये चक्कर है कि जो आपके इस वक्त वमेन्स के कोच हैं वो मेंस अंडर 16 के कोच भी हैं काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं वो उनके अपने क्लब से हैं um, उन्होंने जो ट्रायल्स अनाउंस किए थे कराची में एक दिन एकदम से उन्हें पता चला कि जो जो ट्रायल्स एक महीने बाद होने थे वो फ़ॉरन हो गए एक जगह के ट्रायल्स कैंसिल कर दिए सो देर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन पी एफ एफ सो आई थिंक इस वक्त लेट्स फोकस ऑन द वर्ल्ड कप मोर बट आगे मौका मिला तो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट पी एफ एफ एंड विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल